हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। एशियन गेम्स 2023 में एक और इवेंटफुल, एक और अच्छा दिन इंडियन कंटेंजेंट के लिए। हमारा टोटल टैली अब हो गया 25 मेडल का, जिसमें कुछ 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इन तीनों कैटेगरी में एक एक मेडल आया आज हमारा। एंड सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड आया मेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में। हमारा शिवा नरवाल, अर्जुन सिंह चीमा और सरबजोत सिंह ने इन इस गोल्ड मेडल को जीता। नरवाल फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया दिन था आज। शिवा नरवाल ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और उनके भाई मनीष नरवाल ने पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में। तो ये एक अगेन बहुत अच्छा लगता है देख के, जब एक ही फैमिली के सब लोग इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी कैपेसिटी में, अलग अलग इवेंट्स में। एंड अभी एशियन पैरा गेम्स भी होने वाला है, तो मनीष नरवाल से वहाँ पर भी उम्मीद रहेगी काफ़ी। सिल्वर मेडल की अगर बात करूँ तो वो आया वुशू में। वुशू का आपको याद होगा, चाइना ने जो कॉन्ट्रोवर्सी करी थी अरुणाचल प्रदेश वगैरह के ऊपर, हमारे एथलीट्स जो गए हैं उनमें से एक एथलीट हमारी एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत कर आई है। तो ये एक अगेन ब्रिलियंट वुशू में विमेन्स 60 kg कैटेगरी में रोशबीना देवी ने ये मेडल जीता। एंड उनकी अगर स्टोरी की बात करूँ, पिछले 4 महीने से उन्होंने अपनी फैमिली से कोई बात, उन्होंने फैमिली को मिल नहीं पाई है फिजिकली, फोन पर ही बात कर रही है। नॉट जस्ट बिकॉज ट्रेनिंग पे उनकी डेडिकेशन है, हम सबको मालूम है मणिपुर में क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, जो कि एक बहुत ही खराब सिचुएशन बना हुआ है मणिपुर में। उसके चलते रोशबीना देवी जैसे बहुत सारे एथलीट और बहुत सारे लोग, नॉट जस्ट एथलीट, अपने अपने फैमिली से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर इतना बुरा हाल है देश के एक कोने में, एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में, तो ये ठीक नहीं है। हम बाकी सब कुछ नॉर्मलिटी पे नहीं चलने दे सकते, इस चीज को सॉर्ट करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं स्पोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है मेरे ओपिनियन में, जो हमने देखा है पिछले काफी टाइम में। स्पोर्ट एक बहुत अच्छा लेवलर बन सकता है जो भी कम्युनल टेंशन वगैरह कुछ भी रहता है उसके। हमने एक एग्जांपल देखा था आज से कुछ 15-20 साल पहले, जब आइवरी कोस्ट में सिविल वॉर थी चल रही थी। एंड डिडिये ड्रॉगबा, जो चेल्सी लेजेंड, आइवरी कोस्ट लेजेंड फुटबॉलर, उन्होंने लिटरली सिविल वॉर सॉल्व करवाई थी फुटबॉल से। तो क्या हम स्पोर्ट को नहीं यूज कर सकते इस चीजों को भी रिजॉल्व करवाने में, इस चीजों में कुछ एक होप जगाने के लिए? ये आई डोंट नो एक्सप्लोर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, मेरे मानने में करना जाना चाहिए। फिर आया ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल आया इक्वेस्ट्रियन ड्रेसाज में। हमने ये देखा था इक्वेस्ट्रियन ड्रेसाज में हमारी टीम इवेंट में हमें गोल्ड मेडल मिला था अभी एक दो दिन पहले। एंड दैट वॉज अ बिग डील बिकॉज अभी तक इस इवेंट में इक्वेस्ट्रियन ड्रेसाज में कभी भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था इंडियन टीम को। अब इक्वेस्ट्रियन ड्रेसाज इंडिविजुअल इवेंट्स में जो उस टीम का एक पार्ट थे अंशु अग्रवाल, उन्होंने इक्वेस्ट्रियन ड्रेसाज के इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भी एक अपने आप में फर्स्ट है, इंडिविजुअल कैटेगरी में कोई भी इस इवेंट में इंडियन आज तक मेडल नहीं लेकर आया, तो ग्रेट टाइम्स अगेन। मेडल्स के अगर बाहर आए तो टेनिस में अच्छे परफॉर्मेंसेज आए, स्क्वाश में अच्छे परफॉर्मेंसेज आए, स्क्वाश के टीम इवेंट में हमारी दोनों टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया। टेनिस में साकेत मैनेनी और रामकुमार रामनाथन ने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है मेंस डबल्स के। एंड मेडल गारंटीड है, पर अगेन गोल्ड के लिए जाते हैं ना यार, क्यों मेडल गारंटी से खुश हूँ हम लोग। एक और चीज, एक अच्छी न्यूज आई जब मिक्स डबल्स इवेंट में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन लोगों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और एक मेडल पक्का कर लिया अपने लिए। अगेन मेडल पक्का करने से खुश नहीं होंगे, आई एम वेरी श्योर एथलीट्स भी खुश नहीं होंगे। भारत के लिए मेडल गोल्ड ही आना चाहिए हर इवेंट में, मेरा मानना तो यही है, पर आई एम श्योर एथलीट्स भी इस चीज से खुश नहीं है कि मेडल गारंटीड है। सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल आए। फिर आते हैं हॉकी पे। हॉकी पे इंडियन मेन्स हॉकी टीम ने जापान को, जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, उन्होंने लास्ट ईयर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। हमारी हॉकी टीम ने उन्हें 4-2 हराया, काफी तसल्ली से एकदम। पहले 3 क्वार्टर्स में तो 4-0 जीत रहे थे, कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से। तो अच्छा परफॉर्मेंस आया। अगला मैच अब परसों है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये एक अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां मर्जी हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखते मजा आएगा उधर भी। फिर आया एक बड़ा इवेंट जिसे कह सकते हो, वो आया फुटबॉल से। हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि इंडिया वर्सेस सऊदी अरेबिया होने वाला है, हमारे से किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बहुत मजबूत टीम गिनी जाती है एशिया में ऑलरेडी। एंड इंडिया का जो भी हाल था, भारत की जो अभी जो टीम गई हुई है फुटबॉल मेंस कैटेगरी में, वो
लिटरली सम ऑफ पार्ट्स करके गई हुई है. कोई कोई प्लेयर गए हैं, कोई कोई प्लेयर नहीं गए. कैंप का टाइम नहीं मिला, प्रेपरेशन का कोई टाइम नहीं मिला, कंडीशन के साथ अपने आप को अक्लेमेटाइज करने का टाइम नहीं मिला. बेसिकली तैयारी जीरो. पर हमारी टीम ने बहुत फाइट मार के राउंड ऑफ 16 तक तो आया और सऊदी अरेबिया के साथ मैच तक पहुंचे, वही अपने आप में एक बड़ी बात है. आज के मैच में हम लोग हार गए 2-0. डिसअपॉइंटेड यस, सरप्राइज्ड मेबी नॉट. यहां पे घूम फिर के वही आ जाता है जो हम पिछले काफी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि इतना बुरा हाल क्यों है, इतना बुरा हाल प्लानिंग का क्यों है, इतना बुरा हाल हमारा इंटेंट का क्यों है. इस मैच के बाद एगोस जो मैच ने बोला ये, एंड जो डिसअपॉइंटमेंट एक निराशा लिटरली टपकती है ना बंदे के बातों से, उन्होंने लिटरली ये बोल दिया कि नहीं जी, आपने अगर हमको प्रिपरेशन का टाइम नहीं देना, कैंप्स नहीं देने, हमें एक्चुअली टीम ठीक नहीं देनी, आपको यही लग रहा है कि नहीं प्लेयर्स हम नहीं, आप हमें नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो मत भेजो. एंड इंडियन फुटबॉल टीम के आसपास ये बहुत एक बड़ा इशू हुआ था कि यार इंडियन फुटबॉल टीम को नहीं भेजेंगे. किसी तरह भेजा था, भेजा तो लिटरली कोई प्लानिंग नहीं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं, कोई भी प्रिपरेशन का टाइम नहीं, कोई भी प्रिपरेशन का कैंप नहीं. कैसे खेलेंगे यार, हम में से जितने भी लोग थोड़ा सा भी कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं ना, टीम स्पोर्ट, हम सबको मालूम है कि जब तक एक टीम आपस में इकट्ठे कुछ टाइम तक नहीं तैयारी कर लेती, वो सामने जाके किसी और टीम के साथ नहीं कर सकती कुछ. तो एगोस्ट मैच ने बोल दिया लिटरली कि मत भेजना अगली बार अगर ऐसे ही करना है तो. एंड वेरी अंडरस्टैंडेबली सो, कि क्या मतलब अगर आपने यही करवाना है. प्लेयर्स लिटरली घसीटे गए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, चार मैच खेले, एंड तक आते आते सुनील छेत्री को आज 77th मिनट में सब ऑफ किया. वो लिटरली खत्म था, हमारा लेजेंड आदमी है वो खत्म, बिल्कुल ओवर थे वो. उनके पास लिटरली अगर उनको बोला जाता ना कि कल या अगला राउंड पहुंच गए और करीब मैच है, तो वो शायद खेल ही नहीं पाते, इतना बुरा हाल है. बाकी प्लेयर्स का भी आप फटीक देख लो ना, आप ऑब्वियसली अगेन यही हुआ है. अभी हम लोग बाहर हो गए एशियन गेम्स का, हमारा फुटबॉल का कैंपेन एंड हो गया है, काफी एक डिसअपॉइंटमेंट में और एक फ्रस्ट्रेशन. अब एगोस्ट मैच ने यह भी बोला कि अगले 48 घंटों में मैं डिसाइड करूंगा अपना फ्यूचर. ये सुनने में एक एक्चुअली शॉकिंग चीज है एंड एक कंसर्निंग चीज है, एक चिंता वाली बात है. क्योंकि आप अगर देखो एगोस्ट मैच जिस तरह से पिछले कुछ टाइम में इंडियन टीम को खिला रहे हैं, इंडियन टीम इंडियन फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं, इंडियन फुटबॉल की एक आइडेंटिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उस आदमी का ये बोलना ना कि शायद मैं होऊंगा ही नहीं आज से, अब से 48 घंटे के बाद इस टीम के साथ एसोसिएटेड. एंड अभी आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, एएफसी कप वगैरह बहुत सारे हैं, एशियन कप, तो डरना बनता है, जेन्युइनली डरना बनता है. आई होप रिजॉल्व हो जाए चीजें, आई होप उनको रखा जाए आगे, आई होप वो टिकने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उनके आसपास बहुत कॉन्ट्रोवर्सी ऑलरेडी मीडिया में क्रिएट करी जा चुकी है, वो पूरा एस्ट्रोलॉजर ये हो, तो उम्मीद ही कर सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट है. आगे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं. आपको क्या लग रहा है इंडियन फुटबॉल के आसपास अभी इस पूरे कैंपेन का, आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताना सकते. अब आते हैं थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट. क्रिकेट टीम अनाउंस हो गई, फाइनल अनाउंसमेंट हो गई है कि नहीं अब यही 15 है ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, हमारी मेन ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस हुई थी. अक्षर पटेल का इंजरी हो गई थी कुछ टाइम से, वही एक डाउटफुल चल रहा था कि नहीं जी अक्षर पटेल को शायद उनको रिकवरी टाइम उतना नहीं मिला है, वो रिकवर शायद वर्ल्ड कप तक नहीं हो पाएंगे. एंड अक्षर पटेल का ऑफिशियली अनाउंस हो गया है रिप्लेसमेंट, आर अश्विन खेलेंगे, रविचंद्रन अश्विन अब टीम में आ गए हैं 15 में. अक्षर पटेल आपको याद होगा एशिया कप फाइनल से पहले इंजर हो गए थे, तो एशिया कप फाइनल के लिए वॉशिंगटन सुंदर थे टीम में, पर अब अक्षर पटेल की जगह रविचंद्रन अश्विन को खिलाया जा रहा है. एंड अगर आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में थे वो, तो 4 साल खेले क्यों नहीं अभी तक, और अगर नहीं थे तो ऐसे आउट ऑफ द ब्लू वॉशिंगटन सुंदर वगैरह से ऊपर बाकी सारे ऑप्शन से ऊपर आपको कहां से दिखे, ये मुझे नहीं समझ आ रहा. बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो टीम अच्छी लग रही है, टू बी वेरी फेयर. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म किया, काफी सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं इस पिछले कुछ टाइम में, विच इज ग्रेट. हम चाहते हैं वर्ल्ड कप जीते हमारी टीम. एक काम करेंगे इस टीम के आसपास और हमारी टीम कैसी दिख रही है, क्योंकि परसों से वार्म अप गेम शुरू हो जाएंगे इंडिया के,
पहला शायद इंग्लैंड के साथ किया परसों। तो ये टीम कैसी दिख रही है, हमारे टीम के आसपास हमारी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या हमें लग रहा है कि हो सकता है इस टीम के आसपास, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो करेंगे कल दोपहर। अभी के लिए आज बात करते हैं एशियन गेम्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि किस तरह का रहा हमारा परफॉर्मेंस आपके हिसाब से, एंड फुटबॉल को लेके आपकी क्या अभी ओपिनियन चल रहा है वो नीचे कमेंट में बताना जरूर। एंड अगर तो अश्विन को इंक्लूड करना सही है नहीं टीम में वो भी नीचे बात करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन दबा दो यार, ताकि यूट्यूब हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे इस वीडियो को। एंड अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कल।